माँ से आशीर्वाद और गुरु की दक्षिणा। अब आएगा कैसा सैलाब, क्या मोदी भी योगी को रोक नहीं पाएंगे? नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ कविता राणा। 5 साल 2 महीने और 5 दिन बाद योगी अपने पैतृक गांव क्या पहुंचे, हर जगह छा गई। जी हाँ, एक माँ का बेटे से मिलने का इंतजार खत्म हुआ और पूरा गांव खुशी से झूम उठा, और तो और अपनी जमीन पर गुरु को दक्षिणा भी दी। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो बीते 5.25 साल से देश दुनिया में छाए हुए हैं, लेकिन बुजुर्ग माँ की आंखें पल पल बेटे की राह निहारती रही। आखिरकार एक लंबे इंतजार के बाद वो भावुक क्षण तब आया जब माँ के सामने उसका लाल आया। चुनाव बाद अपने पैतृक घर पंचूर पहुंचे योगी जैसे ही अपनी माँ से मिले, भावनाओं से भरे इस लम्हे की तस्वीर सबने देखी। योगी आदित्यनाथ ने अपनी माँ सावित्री देवी के पैर छुए और उनका आशीर्वाद लिया। बेटे को चरणों में देख माँ ने भी उसके सिर पर हाथ रखा, अपना आशीर्वाद दिया, और फिर योगी आदित्यनाथ ने माँ के गले में फूलों का हार पहनाया और उनके बगल में बैठ गए। भले ही 28 साल पहले योगी घर बार छोड़ सन्यासी बनने निकल पड़े, लेकिन माँ के प्रति उनका प्रेम कभी नहीं खत्म हुआ, और ना ही देखिए अपने बेटे के लिए सावित्री देवी की ममता भी कभी खत्म नहीं। और इस बार योगी की अपनी माँ से ये मुलाकात कई मायनों में खास थी, क्योंकि प्रदेश के दोबारा मुख्यमंत्री बनकर वो गांव लौटे थे और इसी कारण के चलते योगी काफी भावुक भी नजर आए। भावुक और इस यादगार लम्हे की तस्वीर बकायदा उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर भी शेयर की और कैप्शन में सिर्फ माँ शब्द लिखकर उन्होंने देखिए अपनी माँ के प्रति तमाम भावनाओं को जाहिर भी किया। इसके बाद जब देखिए योगी आदित्यनाथ ने अपने गुरु की प्रतिमा का उद्घाटन किया तो खुद को रोने से रोक नहीं पाए। आखिर शेर की तरह दहाड़ने वाले योगी को रोना क्यों आ गया, देखिए इस वीडियो में। आज पूज्य महंत अवैधनाथ जी महाराज की मूर्ति का यहाँ पर स्थापना का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। मेरे लिए यह व्यक्तिगत रूप से गौरव की बात है कि मैं अपने पूज्य गुरु को उनकी जन्मभूमि पर मैं सम्मान दे पा रहा हूं, और मुझे इस कार्यक्रम में उत्तराखंड सरकार ने बुलाया, मैं इसके लिए उत्तराखंड सरकार के माननीय मुख्यमंत्री को और उच्च शिक्षा मंत्री को हृदय से धन्यवाद दूंगा। भाइयों बहनों, आज मेरे लिए और भी गौरव का विषय है कि यहां पर मुझे अपने स्कूली गुरुओं का भी सम्मान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैंने पहली से 9वीं क्लास तक यहां पर पढ़ा था, हांगर में, चमकोट थाल में। 9वीं क्लास के बाद मैं अपने पिताजी के साथ चला गया और मुझे आज इस बात का दुख है कि बहुत सारे ऐसे हमारे उस समय के गुरुजन जो आज नहीं है, लेकिन 6 हमारे गुरुजनों को श्री राजेंद्र सिंह रावत जी, श्री रघुवीर सिंह नेगी जी, श्री राजेंद्र सिंह भंडारी जी, श्री महिमानंद बरमरा जी, सत्य प्रकाश बड़खवाल जी, श्री हरिप्रसाद पुनियाल जी, इन 6 गुरुजनों को यहां पर आज मंच पर मुझे सम्मान करने का अवसर प्राप्त हुआ। मुझे केवल उत्तराखंड के नौजवानों से एक बात कही, मैं देख रहा था, मैं बहुत बार देखता हूं, सुनता हूं, और त्रिवेंद्र जी ने जब यहां पर मुख्यमंत्री थे उस समय यहां पर एक उत्तराखंड का उन्होंने एक आयोग भी बनाया था, प्लान आयोग बनाया,
और मुझे उस समय इस बात को लेकर के खासतौर पर इस बात की चिंता होती थी कि आखिर उत्तराखंड से लोग पलायन क्यों कर रहे हैं। मां से मिलकर देखे जैसे ही योगी यमकेश्वर में बनाए गए मंच पर सम्मान समारोह में आए, भाषण देते हुए उनका गला भराए। इस समारोह में देखे उन्होंने स्कूली शिक्षकों को शॉल, मिठाई और गुप्त दान भेंट किया, तो वहीं अपने गुरु महंत अवैधनाथ की मूर्ति का भी अनावरण किया। और इस दौरान देखे लोगों के बीच सीएम योगी को भावुक होता हुआ भी देखा गया। और वैसे देखे ये पहली बार नहीं है जब योगी के इस तरह से आंसू छलके हों। इससे पहले भी भरी सदन में जब योगी रो पड़े थे, उसके बाद ऐसा सैलाब आया जिसमें मुलायम सिंह की सरकार भी चली गई। जी हाँ, आपको याद होगा कि साल 2006 में बतौर सांसद योगी अपनी बात रखने के लिए खड़े हुए तो फूट फूट कर रोने लगे। कुछ देर तक वो कुछ बोल ही नहीं पाए, और जब बोले तो उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की सरकार उनके खिलाफ षड्यंत्र रच रही है और उन्हें जान का खतरा है। देखा जाए तो देखिए जब जब योगी भावुक हुए हैं, उसके बाद जनता के बीच और उभर कर, दुनिया के बीच और उभर कर सामने आए हैं। माँ से आशीर्वाद और गुरु को दक्षिणा देने के बाद अब दुनिया को योगी का कौन सा अवतार दिखना बाकी है। जी हाँ, दहाड़ने वाले योगी का इमोशनल पार्ट क्या कहता है और क्या अब योगी को रोकना असंभव है, इसको लेकर देवी के डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी जी की ज्योतिष गणना क्या कहती है योगी को लेकर आप भी देखिए। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। योगी आदित्यनाथ अब रचेंगे इतिहास। कभी संसद में छलक आए थे आंसू, लगाई थी मदद की गुहार, अब फिर से योगी रोए हैं, फिर रचेंगे इतिहास। कभी संसद में फूट फूट कर रोने वाले योगी इस बार सीएम की गद्दी पर बैठ गए हैं और वह अपने गांव, अपनी माता से मिलने गए हैं, अपने गुरु के दरबार में गए हैं। जब संसद में छलके थे आंसू, तब योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से सांसद हुआ करते थे। पार्टी में कद उतना बड़ा नहीं था। बात 2006 की है, जब संसद में लोकसभा अध्यक्ष के सामने जान का खतरा बताते हुए योगी आदित्यनाथ रो पड़े थे। उन्होंने कहा था कि यूपी में पुलिस के जरिए उन्हें परेशान किया जा रहा है, सपा सरकार उनके खिलाफ साजिश रच रही है। आपको बता दें कि क्या उस समय का था मामला। दरअसल गोरखपुर जाते समय योगी आदित्यनाथ को 2006 में शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। तब उन्हें 11 दिन जेल में रहना पड़ा था। राज्य में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और मुलायम सिंह यादव उस समय मुख्यमंत्री थे। तब गोरखपुर में दो समुदायों के बीच झड़प हुई थी, उसी को लेकर योगी वहां जा रहे थे, तब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरफ्तारी के बाद उनके समर्थकों ने जमकर वहां पे बवाल काटा था, मतलब हंगामा किया था। 2017 में जब योगी आदित्यनाथ सीएम बने तो उससे पहले इनके नाम को लेकर कोई चर्चा नहीं थी। चुनाव में अपने संगठन के जरिए योगी की ताकत भी दिखने की कोशिश जो है वह कर रहे थे। दरअसल योगी आदित्यनाथ तब या उससे पहले भाजपा से इतर भी अपनी एक स्वतंत्र पहचान रखते थे। उनके उग्र हिंदुत्व के कारण कई बार पार्टी असहज भी हो जाती थी। शायद यही कारण रहा है कि तब तक यूपी में वो बीजेपी का चेहरा नहीं रहे। हालांकि इसका एक फायदा ये भी था कि पहली बार 1994 में योगी आदित्यनाथ 1993 में 26 साल की उम्र में सांसद बनकर केंद्र की राजनीति में पहुंच गए थे। इसके बाद वो कभी भी गोरखपुर से नहीं हारे, चाहे सामने कोई भी कितना भी बड़ा व्यक्तित्व क्यों ना हो। योगी आदित्यनाथ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। जब बने पहली बार मुख्यमंत्री, आपको बता दें कि पिछली बार यानी 2017 में जब बीजेपी की जीत हुई थी तो मनोज सिन्हा, केशव प्रसाद मौर्य जैसे नेताओं के सीएम बनने की होड़ लगी हुई थी, चर्चा में थी, लेकिन अचानक से बाजी पलटी और योगी के हाथ में राज्य की कमान सौंप दी गई। कहा गया कि संघ ने योगी को सीएम बनवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बीच बीच में मोदी शाह के साथ खटपट की भी खबरें रही, लेकिन 2022 में फिर से एक बार योगी आदित्यनाथ ही चेहरा, चमकते हुए चेहरा रहे। बीच में एक बार तो यूपी में सीएम बदलने की बात हो गई थी, लेकिन योगी अपनी कुर्सी बचाने में
बिल्कुल कामयाब रहे थे। आपको बता दें योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को पिछली बार मतलब दूसरी पारी की शपथ उन्होंने ली है। इस बार जब वो सीएम बने हैं तो उम्र जो इनका 37 साल और लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने वाले यह पहले व्यक्ति हैं। वहीं यूपी से उत्तराखंड के अलग होने के बाद पहले व्यक्ति हैं जो लगातार दूसरी बार सीएम बने हैं। इसके साथ ही पिछले 15 वर्षों में पहले ऐसे विधायक हैं जो सीएम बने थे। इससे पहले मुख्यमंत्री के तौर पर मायावती, अखिलेश यादव और खुद सीएम योगी का पहला कार्यकाल एमएलसी के रूप में रहा है। आपको बता दें योगी जब जब रोए हैं नए योगी उभर कर आए हैं। योगी ने अपने गुरु की प्रतिमा का उद्घाटन किया, शिक्षकों को सौर मिठाई और गुप्त दान किया गुरु दक्षिणा में। आपको बता दें कि यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उनके गुरु महंत अद्वैतनाथ गांव में दोबारा आना चाहते थे लेकिन उनकी यह इच्छा अधूरी रह गई। साल 1936 में गांव छोड़ने के बाद वह हमेशा ही गांव के बारे में सोचते रहते थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने कई बार महंत अद्वैतनाथ को गांव लाने का प्रयास किया लेकिन स्वास्थ्य कारणों से वह दोबारा गांव नहीं आ सके। आने वाले समय में देश दुनिया में मोदी से आगे निकलकर हिंदुस्तान का नाम रोशन करेंगे योगी। जब जब योगी हुए हैं कयामत आई है, योगी रचेंगे नया इतिहास। इनकी जनता पत्रिका बता रही है कि आने वाले समय में योगी क्रमशः बेहतर और नए सिरे से क्रमबद्ध ये बढ़ते चले जाएंगे। आप सब यहीं जुड़े रहें, मिलते हैं अगले वीडियोस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।